गुड आफ्टरनून एवरीवन सो सभी लोग प्रेजेंट है गुड आफ्टरनून मोनिका वाले एवरीवन चलो भाई दोज हैव ज्वाइन प्लीज कंफर्म बाय द दम सिंबल पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन अपने को आज फिनिश करना है उसी लाइक मेंटल सेटअप के साथ मैं अभी यहां पर आया हूं ठीक है ना तो अपना टारगेट ही है पूरा का पूरा लाइक like, रेगुलर जो एक्सप्रेशन है वो खत्म करना कौन कौन है भाई मंचल देवाशीष अक्षय प्रतीक जो ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को जरूर लाइक कर दे तरुण हेलो तरुण और फटाफट -फड़ शेयर कर दे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए सेशन को एंजॉय कर पाए और गेट 2023 में फोड़ पाए चलिए चलिए रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन हेडिंग दीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं है कि हम लोग रूबरू नहीं हुए हैं ये कोई नई बात हो रही है ये कुछ नया होने वाला है ऐसा नहीं है बस उसके अंदर के प्रॉपर्टी को समझना है ठीक है ना ऐसा नहीं कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग अवेयर नहीं है ठीक है ना तो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर सिंपल वे में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे तो किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है ना तो इट इज इट इज मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज ठीक है ना यह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका रेगुलर लैंग्वेज का समझ में आ रहा है बात ठीक है ना अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने की कोशिश करो ठीक है ना बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं दैट इज ए स्टार सो वेन एवर आई एम राइटिंग ए स्टार ए से जनरेट होने वाला सारा स्ट्रिंग ठीक है ना एपचाइलन ए डबल ए एंड सो ठीक है और इसी को अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे A का पावर इज ग्रेटर इक्वल टू ठीक है ना? और यहां पर मेरे दोस्त ए जो है वो हमारा सेट ऑफ इनपुट सिंबल में क्या है तो वनली ए सेट ऑफ इनपुट सिंबल में क्या है हमारे पास वनली ए सिमिलरली, व्हेनेवर आई एम राइटिंग ए प्लस तो प्लस का मतलब होता है एप्साइलन को छोड़ करके सारा का सारा स्ट्रिंग तो व्हेनेवर आई एम राइटिंग ए प्लस मतलब कि एप्साइलन को छोड़ कर करके सारा का सारा स्ट्रिंग लाइक लाइक फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ए टू डी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब हो गया सिंगल ए डबल ए एंड सो ऑन ठीक है ना एंड सो ऑन बात समझ में आ रहा है ठीक है ना तो a प्लस का मतलब क्या हो गया एप्सिलॉन को छोड़ करके सारा का सारा स्ट्रिंग तो इन दोनों में रिलेशन हम लोग क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं इन दोनों में रिलेशन क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं कि a स्टार a स्टार इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस प्लस एप्सिलॉन ऐसा बोल सकते हैं क्या ऐसा बोल सकते हैं जहां पर हमारे पास सेट ऑफ इनपुट सिंबल में क्या है तो सेट ऑफ इनपुट सिंबल में प्रेजेंटली हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है a तो इसको इन जनरलाइज़ फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सिग्मा स्टार इफ सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस प्लस एप्सिलॉन इन जनरलाइज फॉर्म कैन वी राइट दिस ऑफ़ कोर्स वी कैन राइट दिस यस और नो बोलो भाई ठीक है अब इसके कुछ पहलु को समझना है सी सी मैथमेटिक्स में जब आप लिखते हो ना मैथमेटिक्स में जब हम लोग लिखते हैं ठीक है ना ए बी का होल स्क्वायर मैथमेटिक्स में जब आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है ये हम लोग मैथ्स में समझते हैं जहां पर ए और बी हमारा क्या है एक वेरिएबल है एक क्या है वेरिएबल है।, है? है लेकिन यहां पर

बात सभी को क्लियर है क्या तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त इफ इज राइटिंग समवन इज राइटिंग ए बी स्टार तो इसका मतलब क्या होगा कि एफसाइलन तो होगा ही होगा कभी भी अगर स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि एफसाइलन वहां पर एसोसिएटेड है एफसाइलन ए बी बी एंड सोन सोन और लैंग्वेज के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे तो ए बी टू डी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कहीं पर भी है इसका मतलब है डबल ए डबल बी बट बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टी ओ सी ए बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि हमें पता है इसका मतलब हो, क्या हो जाएगा डबल ए डबल बी टी ओ सी में यह मतलब नहीं होता है ठीक है ना टी ओ सी में यह मतलब कतई नहीं होता है इसको दिमाग में रखना है ठीक है ना यू आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट टी ओ सी सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑलवेज अपियरिंग इन अ कॉन्टिनेटेड फॉर्म तो इसको अगर आप x मान रहे हो तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स डॉट एक्स मतलब कि ए बी ए बी ओके जस्ट वेट अ मिनट एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बारे में सोच करके बताइए लाइक like, अगर मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी का होल स्टार इसका मतलब सभी को पता है ये यूनिवर्सल सेट है तो इसको आप क्या बोलते हो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर बी बोलते हैं ना भाई ओवर ए बी चूंकि स्टार लगा हुआ है मेरे दोस्त क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे इंक्लूडिंग एपसाइल यहां पर एपसाइलेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होगा ठीक है ना अब इसी को एक नया फॉर्म में मैं लिख रहा हूं अगर मैंने लिखा डबल ए प्लस ट्रिपल ए का होल स्टार यहां पर आपको बताना है किस तरह का सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है थिंक अबाउट इट अब आप क्या कर सकते हो इस पूरे को इफ यू वांट यू कैन लाइक एजूम एक्स इस पूरे को आप इसको वाई मान सकते हैं सो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई होल स्टार यस और नो सो थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर ओके okay, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है बस दो मिनट की बात है आप इसको ट्राई करिए सभी लोग चलो भाई चलिए चलो भाई क्या आ रहा है आ कमजोर हो गया चलो शुभजीत पॉल ने अपना आंसर दिया है प्रतीक ने दिया है चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया

या आप डबल एक्स को भी यहां से जनरेट कर सकते हैं भाई यहां से हम लोग डबल एक्स जनरेट कर सकते हैं डबल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा ए का पावर फोर ठीक है ना उसके बाद अगर आप एक्स वाई जनरेट करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए का पावर फाइव डबल वाई लेते हैं तो ए का पावर सिक्स इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा स्ट्रिंग आ रहा है मतलब यहां पर हर तरह का स्ट्रिंग है बस एक ही स्ट्रिंग को छोड़ कर करके किसको बस सिंगल ए हमारा जनरेट नहीं हो पा रहा है ठीक है ना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त दिस इज रिटर्न एज ए टू दी पावर एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एन इज नॉट इक्वल टू वन ये फीलिंग सभी को आ रही है एवरी वन ये फीलिंग सभी को आ रही है बोलो भाई ठीक है ना ये फीलिंग सभी को आ रही है चलिए चलिए तो ये पहला बात हो गया अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं समझ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन है सपोज ठीक है ना ये क्वेश्चन है 2009 का 2009 का सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन गिवेन है आपको ठीक है ना ये ट्रिपल ए प्लस फोर ए का होल स्टार और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डी एफ एक्सेप्टिंग लैंग्वेज लैंग्वेज जेनरेटेड बाय जेनरेटेड बाई above regular expression above regular expression ठीक है समझना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसके लिए जब आप DFA बनाओगे इसके लिए DFA बनाओगे तो DFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे भाई इस DFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे सभी को पता है सभी को पता है फटाफट आंसर बताएंगे सभी को पता है कि इस केस में DFA में कितना आंसर आएगा डायरेक्टली बोल सकते हैं वेरी गुड कितने आएंगे भाई तो थ्री मैंने आपको बोला था जो भी हायर टर्म है उसमें हमें क्या करना है उसमें सिंपली हमें टू को एड कर देना यही है ना तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज देन देन वी कैन ईजिली क्लेम वो then we can easily claim the minimum number of states in a corresponding DFA. Try try yourself and try to respond me. हर्ष झाजी झी चार नहीं होगा ना आप ट्राई करके देख लो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ट्राई करके देख लो तीन आएगा झाजी प्रतीक वन प्लस थ्री लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है ना वन यहां पर प्रेजेंट है अब प्लस हम लोग टू करते हैं ठीक है ना वन प्लस टू इज मोर मीनिंगफुल ठीक है ना नहीं नेक्स्ट का अगर आपने बताया है तो सोच करके बताइए मुझे सबसे पहले तो लैंग्वेज बताइए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट मत बताओ सिर्फ इससे जनरेट होने वाला लैंग्वेज बताओ लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग नहीं होंगे बस आप हमको यह बता दीजिए विच स्ट्रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द लैंग्वेज बस आपको ये बताना है क्योंकि उसी से आपको आंसर पता चल जाएगा शुभजीत पॉल गुड गुड शुभजीत अच्छा मेरे दोस्त एक बात बताओ ए का पावर फाइव जेनरेट होगा क्या यहां से भाई मेरे भाई मेरे आप सोच करके देखो ना सोच करके देखो ये सपोज हमारा x है और ये सपोज हमारा y है इसको हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में x x y का now, now, x और y के ये यूनिवर्सल सेट है तो इस यूनिवर्सल सेट से इस यूनिवर्सल सेट से जनरेट होने वाला सारा का सारा स्ट्रिंग क्या क्या पॉसिबल है या तो एफसाइलन हो सकता है या सिंगल एक्स हो सकता है ठीक है ना या सिंगल वाई हो सकता है डबल एक्स हो सकता है एक्स वाई हो सकता है वाई एक्स हो सकता है या वाई वाई हो सकता है एंड सो ऑन इस तरह से सारा होगा तो मेरे दोस्त एपसाइलेट एक्स का मतलब क्या हो गया ए का पावर थ्री वाई का मतलब क्या हो गया ए का पावर फोर डबल एक्स का मतलब क्या हो गया ए का पावर सिक्स एक्स वाई का मतलब क्या हो गया ए का पावर सेवन डबल वाई का मतलब क्या हो गया ए का पावर एट इसके बाद आप देखोगे तो सारा का सारा स्ट्रिंग आ रहा है इसके बाद अगर आप देखोगे क्योंकि देखिए इस सिचुएशन में एक्स वाई या वाई एक्स का मतलब सेम है क्योंकि जो लेंथ का स्ट्रिंग एक्स वाई जनरेट करेगा वही लेंथ का स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा तो यहां पर इन दोनों का मतलब सेम है तो इसको मैंने एक ही बार लिखा है इसको मैंने एक ही बार लिखा है ठीक है ना तो यहां पर देखो सारा स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है कौन से स्ट्रिंग को छोड़ कर करके -कर? सिंगल ए ए स्क्वायर और एक इन दोनों के बीच का मिसिंग है दैट इज द ए टू द पावर फाइव ये तीन स्ट्रिंग मिसिंग है तो मेरे दोस्त फाइनली यू कैन राइट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट इन लैंग्वेज ए पावर एन एन इक्वल टू इक्वल टू क्या है वन टू एन फाइव लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भैया ठीक है ना अब जब आपने ऐसे ही दिया तो आंसर करने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए तो दिस आंसर विल बी फाइव प्लस टू तो देखिए कहीं ना कहीं जो DFA के को आपने पढ़ा है है वो आपका अब यूज हो रहा डीएफए में जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने पढ़ाया था इतना टाइम हम लोगों ने जो स्पेंड किया है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अब डायरेक्टली यूज हो रहा है अब इंडिविजुअली हमें डीएफए बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ही लोग दे पाओगे ठीक है 5A, 5A ना रेगुलर एक्सप्रेशन सपोज गिवेन है फोर ए प्लस फाइव ए का होल स्टार ठीक है ना फोर ए प्लस फाइव ए ए का होल स्टार इस सिचुएशन में सोचो और मुझे बताओ बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और धीरे धीरे आप हर एक चीज को कैप्चर कर पाएंगे कौन कौन सा स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रहा है बस आपको इतना सोचना है इतना सोचना है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आंसर हर एक स्टूडेंट दे पाएंगे चलिए झा जी ने अपना आंसर बता दिया है पॉल ने भी अपना आंसर बता दिया है तरुण ने भी अपना आंसर बता दिया है मोनिका एंड देवशीष अक्षय भैया अक्षय आप तो अचानक से गायब हो गए चैट बॉक्स पे अक्षय दिखाई नहीं दे रहा है प्रतीक ने भी अपना आंसर दे दिया है फोर्टीन ओके फाइन कोई दिक्कत नहीं है चलिए देखते हैं

ए का पावर 11 हो सकता है क्या सपोज मैंने इसको दो बार ले लिया तो ए का पावर 8 हो सकता है तीन बार लिया तो ए का पावर 12 हो सकता है लेकिन ए का पावर 11 जनरेट नहीं हो सकता है तो ए का पावर 12 जनरेट करना है तो ए का पावर 12 हो सकता है कैसे तो ए टू द पावर 4 को फोर टाइम्स मैंने ले लिया तो ठीक है ना a का पावर 12 हो सकता है 13 हो सकता है क्या हो सकता है 13 कैसे हो जाएगा भाई सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई तो ए का पावर 13 अगर जनरेट करना है तो कैसे करेंगे डबल मतलब कि का 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 पावर 4, A का पावर 4 and A का पावर 5. 13 तो हो सकता है ठीक है ना तो ए का पावर 13 हो सकता है फोर्टीन हो सकता है क्या डेफिनेटली हो सकता है फिफ्टीन हो सकता है क्या डेफिनेटली हो सकता है सिक्सटीन हो सकता है तो हो सकता है सेवनटीन हो सकता है क्या बोलो भाई 17 जेनरेट कर सकते हैं क्या 17 के बारे में सोचो तो 17 हो सकता है क्या एवरी वन हो सकता है क्या हो सकता है इन्हीं दोनों को देख लो ना नौ है और ये आठ है तो सेवनटीन हो सकता है इन दोनों को कंबाइन करके तो ए टू टू पावर सेवनटीन भी हो सकता है तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है तो फाइनली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कौन सा स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा है सिंगल ए ए ए स्क्वायर, का पावर थ्री और इन दोनों के बीच में कौन मिसिंग है ए का पावर इलेवन तो है, 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 ये सारे स्ट्रिंग हमारे मिसिंग है ये सारे स्ट्रिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग से क्या है मिसिंग है तो फाइनली मेरे दोस्त इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एंड एन इज नॉट इक्वल टू वन टू थ्री सिक्स सेवन एंड इलेवन बात समझ में आ रहा है तो अगर आंसर करने की बात है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे भाई इलेवन प्लस टू इज इक्वल टू थर्टीन अगर आपसे कोई नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट पूछता है तो आप क्या बोलोगे एक दो तीन चार पांच छ नंबर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट कितने होंगे सिक्स इट मीनस नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स माइनस नॉन फाइनल स्टेट्स दैट इज दैट इज सेवन ठीक है बोल सकते हैं क्या ऐसे बोलो भाई राइट शुभदीप। इलेवन के ऊपर सारे तरह का स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़े भाई चलिए अब समझना सपोज अगर मैंने डबल ए का होल स्टार लिखा है होल स्टार लिखा है यहां से क्या जनरेट होगा स्क्वायर ए का पावर फोर एंड सो ठीक है ना ये सारा का सारा स्ट्रिंग हमारा क्या होगा जनरेट होगा बात समझ में आ रहा है ये सारा का सारा स्ट्रिंग क्या हो रहा है मेरे दोस्त जनरेट हो रहा है ठीक है ना मतलब कि सारा का सारा इवन नंबर ऑफ एज यहां से क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है इवन नंबर ऑफ नंबर ऑफ एज ठीक है दूसरा अगर मैं लेता हूं ए ए का होल स्टार तो देखिए लिखने का तरीका क्या है इसको अगर हम लोग लिखे कैसे लिख सकते हैं भाई ए डॉट ये तो कॉन्काटिनेशन है ना तो ए डॉट ए ए का होल स्टार हमको पता है ये क्या होने वाला है यही होने वाला है तो यहां पर लिख सकते हैं एफसाइलन ए स्क्वायर ए का पावर फोर एंड ऑन ठीक है ना अब इसका मतलब क्या है इस ए को सभी के साथ इस ए को हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त सभी के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे सभी के साथ क्या करेंगे कॉन्कैटिनेट करेंगे तो कॉन्कैटिनेट जब आप करोगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा ए डॉट एफसाइलन ए का पावर थ्री ए का पावर फाइव एंड ऑन आएगा ऐसे बोलो भैया ऐसे आएगा ठीक है ना मीन्स एंड का मतलब आपको पता है ये क्या होता है ए का पावर थ्री ए का पावर फाइव एंड ऑन तो इससे क्या आ रहा है इससे आ रहा है ऑड नंबर ऑफ एस आएगा यही आएगा ना ऐसे भी देख करके लग रहा है ऐसे भी देख करके लग रहा है इसके कारण इवन नंबर ऑफ ए जनरेट हो रहा है और इसमें हमने वन ए को एड कर दिया तो ये ये टोटल वैल्यू कितना होना था? ही होना था था ही ठीक है ना बेसिक लॉजिक से भी अंडरस्टूड है इसके कारण हमेशा इवन लेंथ के ए जनरेट होंगे और हर एक लेंथ पे वन ए को अगर कॉन्कैटिनेट कर दिए तो ये लेंथ क्या हो जाना है ऑड हो जाना है बात समझ में आ रहा है ठीक है ना बात समझ में आ रहा है अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन करो ये पहला ये दूसरा स्टेटमेंट है तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या होगा ठीक है ना ए, ए ए का होल स्टार तो प्लस का मतलब हमें पता है प्लस का मतलब क्या होता है यूनियन होता है तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है एफ ए स्क्वा का पावर फोर एंड सो ऑन यूनियन यूनियन इसके कारण क्या आएगा भाई ए का पावर थ्री का पावर फाइव एंड सो ऑन इन दोनों को आप कंबाइन करिए तो क्या आएगा एफसाइलन सिंगल ए ए स्क्वायर ए का पावर थ्री ए का पावर फोर ए का पावर फाइव आएंगे ना ये सब अब इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट स्टार बोल सकते हैं भैया दिस इज सो फाइनली दिस इज है ऐसा so कहा जा सकता है yes no? मीन ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपस में क्या है इक्ट वैलेंट है. क्यों है बिकॉज बौद्ध रेगुलर एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट और विल जेनरेट सेम से दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को क्या करेगा जनरेट करेगा दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को जनरेट करेगा ठीक है ना जनरेट करेगा अब देखिए हमारा टारगेट क्या है हमारा टारगेट क्या है कि हमें लैंग्वेज दिया हुआ है और रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमारा टारगेट क्या है ठीक है ना फाइंड इंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस ठीक है ना रेगुलर लैंग्वेजेस तो ये हमारा टारगेट है कि रेगुलर लैंग्वेज अगर गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आइडेंटिफाई करना है रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लैंग्वेज दिया हुआ है ठीक है ना सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर एबी ए बी कंटेनिंग कंटेनिंग ए एज अब स्ट्रिंग एज अब स्ट्रिंग ठीक है ना सब स्ट्रिंग तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है और इस इस रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है आपको पता है क्या होने वाला है फिर भी मैं बता रहा हूं ठीक है ना तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग मींस जो भी स्ट्रिंग आप जनरेट करोगे इस स्ट्रिंग के पहले या बाद में कुछ भी आ सकता है ठीक है ना लेकिन एक बात कॉमन है कि इसमें ए ए ए एज अ होना चाहिए अब इसके पहले बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इवन हो सकता है है मतलब कि इसके पहले ठीक है ना ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है स्टार का मतलब हो गया कि एफसाइलन भी पॉसिबल है क्योंकि अगर ये वाला पार्ट एफसाइलन होता है तो डबल ए से स्टार्ट हो जाएगा अगर यहां पर कुछ फील्ड है तो डबल ए से स्टार्ट नहीं होगा सिंपल सी बात है ठीक है ना तो इसके पहले ए बी का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है वट एवर द स्ट्रिंग यू आर कंसिडरिंग इसके पहले ए बी का पार्ट कुछ भी हो सकता है और इसके बाद में भी ए बी का कोई भी पार्ट पॉसिबल है पॉसिबल है बात समझ में आ रहा है स्टार का मतलब क्या हो गया भाई जब भी आप लिख रहे हो ए बी का होल स्टार तो यहां से क्या क्या आप स्ट्रिंग चूज कर सकते हैं यू कैन चूज एफ यू कैन चूज सिंगल ए सिंगल बी ठीक है ना डबल ए ए बी उसके पहले कुछ भी आ सकता है उसके बाद में कुछ भी आ सकता है लेकिन अगर ये है तो वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट है तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हमें पता है तो इसको जैसे कि मैंने आपको बो, बोला था कि आप सिग्मा स्टार लिखो या आप ए प्लस बी का होल स्टार लिखो या आप इसी को लिख दो ए कॉमा बी का होल स्टार लिख दो या आप इसी को लिख दो ए और बी का होल स्टार सभी सिंटेक्स का मतलब रियलिटी में क्या है मेरे दोस्त सेम है सभी ये सारे सिंटेक्स आपस में इक्विवेलेंट है ठीक है ना बस रिप्रेजेंटेशन तरीका डिफरेंट है रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है अदरवाइज इन सभी का मीनिंग सेम है तो यहां पर मेरे दोस्त इसको कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्टार ए एंड अगेन ए प्लस बी होल स्टार ये बात समझ में आ रहा है बोलो भाई ये बात समझ में आ रहा है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है ना ये तो हो गया सेंटेंशियल फॉर्म में अगर गिवेन है दूसरा अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में गिवेन होता लाइक like का N, B का पावर पावर ठीक है ना वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में दिया हुआ है और इसके लिए हमें क्या लिखना है एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है क्या लिखना है मेरे दोस्त रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है मेरे दोस्त ये देख करके लग रहा है कि ये लैंग्वेज दो अलग अलग लैंग्वेज का है, yes no? इस इस लैंग्वेज लैंग्वेज को को अगर आप आप विजुलाइज़ करो, तो आप इस को क्या विथ N, N लिख सकते हो बी का पावर एम वेर एम इज ग्रेटर टू जीरो जो लैंग्वेज है ये दो अलग अलग लैंग्वेज का है. लिख सकते हैं यस ऑन अब इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो तो मिनिमम सिंगल ए आएगा या उससे ज्यादा आएगा तो आप लिख सकते हैं ए प्लस और इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं जस्ट वी हैव सीन तो बी स्टार सो फाइनली यू कैन राइट ए प्लस बी स्टार यस और नो एवरी वन ये बात समझ में आ रहा है हाँ, बहुत तरीका हो सकता है बहुत तरीका हो सकता है सी सी अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू समझना समझना ए प्लस बराबर है किसके ए सही है भाई ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट वैलेंट है क्योंकि देखो इसको एक्सपेंड करो क्या लिखोगे ए ए स्टार का मतलब क्या होता है एफसाइलन ए डबल ए एंड ऑन अब ए को कॉन्टिनेट करो क्या आएगा ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो सोन ठीक है ना तो दिस इज नथिंग बट एस्ट ए प्लस यस दिस इज नथिंग बट ए प्लस एफ साइलेंट को छोड़ करके सारा का सारा स्ट्रिंग तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन आपस में क्या है इक्विवेलेंट है इसका मतलब है द सेम स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज ए स्टार बी स्टार कोई डाउट है क्या बोलो भाई यहां पर कोई डाउट है क्या बोल सकते हैं ऐसा ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कोर्स बोल सकते विनय पंत विनय जी आप उत्तराखंड के रहने वाले हो क्या विनय पंथ पंत जी यू बिलोंग्स टू उत्तराखंड राइट मैं क्यों बोल रहा हूं मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर मेरा लाइक like, ट्रायल सही रहा तो पंत, उत्तराखंड एक्चुअली मेरा स्टूडेंट था uh, 2015 थाउजेंड बैच का शोभित पंत वो आज भी मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में है तो करेंटली ही इज वर्किंग इन आई सी एल प्राइवेट कॉलेज का बहुत ही साधारण सा लड़का था वो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था ना तब मेरा ऑफलाइन चला करता था हम लोग ऑफलाइन पढ़ाया करते थे और वो अलाहाबाद का ही था अलाहाबाद में कॉलेज है सुट्स कर करके क्रिश्चन का एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहीं का वो स्टूडेंट था और बहुत ही एंकी पैंकी टाइप का था ऐसे भी आप पहाड़ पे जाओगे ना पहाड़ के जो बंदे होते हैं बड़ा मस्त होते हैं एक तो बहुत ही गोरे चिट्टे होंगे कभी भी आप जा करके देखना वो उधर का वेदर ही ऐसा ऐसा है अगर यहाँ से कैसा भी बंदा यूएसए में जा करके बीस साल रह गया ना तो उसके चेहरे पे एक अलग चमक हो जाता है वो वहां का ठंड जो मौसम वेदर और जो फ्रूट्स वगैरह का जो वहां का है ना पहाड़ में वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सब के बहुत और काजू वाजू तो बहुत मिलता है आप जैसे नैनीताल उत्तराखंड जाओगे ठीक है ना एक आता है ना अखरोट जिसको बोलते हैं मुझे अभी भी याद है अखरोट वहां पर उस समय मैं 2015 में गया था नैनीताल डेढ़ सौ रुपया ठीक है ना डेढ़ सौ रुपया किलो ऐसे ऐसे करके दे रहा था जो आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो आपको लगभग नौ सौ हजार रुपया लेता है ठीक है ना तो वहीं का वो बंदा था और पहले ऐसे मतलब मजाक में आ गया था कोचिंग करने ठीक है ना वो मतलब बोलता भी था कि सर मेरा कोई मन नहीं है गेट वेट का कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है इसीलिए मैं आ गया हूँ ठीक है ना और पढ़ने में ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट था कुछ नहीं एकदम साधारण सा स्टूडेंट ठीक है ना जो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था ना बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में वो डेडिकेटेड था एक होता है ना कि चलो इंटेलिजेंट नहीं है तो डेडिकेशन है तो शायद इंटेलिजेंसी टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाएगी तो स्टार्टिंग में वो भी नहीं था बस ये था कि सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस चलती थी सैटरडे संडे का वीकेंड क्लासेस चलती थी बस वो आ जाता था क्लास के अंदर बैठ जाता था और वीकेंड में कहीं पर भी अगर वीकेंड बैच चलता है ना मैंने बहुत जगह पढ़ा है अहमदाबाद हो दही हो चंडीगढ़ हो देहरादून हो देहरादून भी मैं बहुत बार गया हूँ पढ़ाने तो वीकेंड बैच में क्या होता है कि आठ आठ घंटे की क्लास चलती है सैटरडे को सिक्स आवर संडे को एट आवर ठीक है ना चौदह घंटे की क्लास चलती है तो जो बच्चा मंडे टू फ्राइडे तीन तीन घंटे करके पढ़ रहा है उससे बेटर है कि आप वीकेंड में पढ़ लो तो वीकेंड में कॉलेज उसकी छुट्टी रहती थी तो वो आ जाता था पढ़ने के लिए ठीक है ना तो उसको लगता था कि चलो एक बार इसी बहाने टाउन घूम करके आ जाएंगे क्योंकि उसके कॉलेज से लगभग जहां पर हम लोग पढ़ाते थे वो लगभग था आपका बारह किलोमीटर आप मान सकते हो तो उसका कॉलेज थोड़ा आउटर एरिया में था और जो इंस्टीट्यूट थी वो टाउन एरिया में थी जहां पर मेन मार्केट है पीवीआर वगैरह है तो इसी बहाने वो आ जाता था कि चलो शाम के समय पीवीआर इधर उधर से घूमते हुए घर चले जाएंगे लेकिन टाइम टू टाइम

तो कभी कभी कुछ खेल जो होता है वो किस्मत का भी होता है ही ऑलवेज लाइक थैंकफुल फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क उस समय मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ करता था तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाता था कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्रामिंग ये सब चीजें मैं पढ़ाया करता था उस समय मैं टी बहुत कम हैंडल करता था ऐसा था कि मतलब खुद की इंस्टीट्यूट थी तो टाइम नहीं मिलता था ठीक है ना तो टीओसी ओ में बहुत कम मतलब टीओसी का मैं डाउट क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस ये सब सब करवाता था क्योंकि खुद का जब चीजें रहता है तो इंसान को लगता है कि बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दे क्योंकि गोल एक ही होता है रिजल्ट क्योंकि एक बच्चा रिजल्ट लाएगा तो ही उसके पीछे दस बच्चे भाग करके आएंगे ये सभी का गोल होता है बिगनिंग में ठीक है ना तो ये हमारा भी गोल था तो इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करते थे बच्चों के ऊपर उनका टेस्ट कंडक्ट कराना है उनको प्रॉपरली लाइक डाउट लेना है प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं हमेशा वहां प्रेजेंट रहता था तो इस तरह से मैं हम लोग बच्चों को गाइड किया करते थे ठीक है ना और कभी कभी छुट्टियों में मैं अकेला बुला लेता था तो मैं रावतिया सर ठीक है ना रावतिया सर बाहर से आते थे पढ़ाने मेरे यहाँ पर तो इस तरह से चीजें चला करती थी और बहुत हम लोग मेहनत करते थे इसके अलावा भी एक दो टीचर है जिनको आप नहीं जानते हो ठीक है ना तो इस तरह से हम लोग चीजों को हैंडल किया करते थे तो वहीं से याद आ गया वहीं से याद आ गया चलिए चलिए कोई बात नहीं तो ओवरऑल एक हमें समझ में आ रहा है कि इफ द लैंग्वेज इज़ मैंने दो तरह का लैंग्वेज लिया पहला जो में था, तो इसके कैसा लिखना है दूसरा लैंग्वेज जो मैथमेटिकल फॉर्म में गिवेन है तो इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही लैंग्वेज के लिए मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिक होगा नहीं एक ही लैंग्वेज के लिए मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है r1 r2 एंड r3 मींस अगर ये लैंग्वेज l रेगुलर है तो इस लैंग्वेज के लिए वी कैन हैव मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा ठीक है ना ये बात हमें समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यही देख रहे हैं लाइक like, स्टार्टिंग से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सपोज इफ यू हैव रिटन aa का होल स्टार ठीक ठीक है 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 ना ना प्लस, प्लस. ए, ए का का ये 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 किसके बराबर बराबर भाई ए के है. तो हम क्या देख रहे हैं कि language कौन सा हमारा और इस लैंग्वेज के लिए इस समय है. हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन सपोज आर वन एंड दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन सपोज आर टू

कि क्या आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाला स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से भी जनरेट हो रहा है यह आपको वेरीफाई करना है दूसरा जो भी स्ट्रिंग लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है क्या आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देखिए सभी को पता है सभी को पता है कि ए प्लस बी होल स्टार होल स्टार ये क्या है तो दिस इज द यूनिवर्सल को पता है ठीक है ना ठीक है ना Suppose ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा आर R1 वन है. R1 है अब हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिया क्या लिया भाई तो ए प्लस ए बी का होल स्टार अब मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है कि इसके लिए डीएफए आप कैसे बनाते हो तो ऐसे बनाते हो ऐसे ही बनाते हो ना कुछ इसके लिए डीएफए आप कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं अगर आपसे कोई बोले कि ये जो डीएफए है ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है इफ समवन इज टेलिंग यू दैट दिस डीएफए मशीन इज रिप्रेजेंटिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज इट ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट लर्न विथ मी सर हाउ लॉन्ग दिस सेशन विल गो एक्चुअली आई जस्ट ज्वाइन सो कैन आई रिवाइज द पास्ट विद स्पीड फर्स्ट एंड देन दिसन हाँ कर सकते हैं लर्न विथ मी जो भी है लर्न विथ मी एंड वट एवर पहले आप जो भी पोर्शन मैंने बताया है उसको एक बार रिवाइज कर दो अगर आपने कर रखा है तो रिविजन की जरूरत नहीं है ये चूंकि नया टॉपिक है तो यहां पर बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत नहीं है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कंटिन्यू अगर पहले से आपका थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्लियर है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो पक्का है कि यहां से जितने भी स्ट्रिंग जनरेट होंगे सारा का सारा स्ट्रिंग ये मशीन एक्सेप्ट करेगा ठीक है ना जो भी स्ट्रिंग यहां से जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मशीन इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लीज माइंड इट प्लीज माइंड इट यहां का सारा का सारा स्ट्रिंग जो जेनरेट हो सकता है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ऑल दो बट इट डजंट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दोनों डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा मीन्स मींस आपको ये दोनों डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा ये पहला डायरेक्शन हो गया ये दूसरा डायरेक्शन हो गया कैसे कैसे से, से, यहां से जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वो ये क्या ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये पहला डायरेक्शन हो गया तो इसमें आप बोल सकते हो यस yes. दूसरा डायरेक्शन ऐसा स्ट्रिंग जो मशीन एक्सेप्ट कर रहा है और ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर रहा है मींस वैसे सारे स्ट्रिंग जो हमारा मशीन एक्सेप्ट कर रहा है क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है यहां पर अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया डबल बी ये मशीन हमारा एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑल द स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड द मशीन कैन नॉट बी जनरेटेड बाई द रेगुलर एक्सप्रेशन दूसरे डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है नो आंसर मिल रहा है सो सिंपली वी कैन से अगर ये दोनों डायरेक्शन में ट्रू आंसर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ये मशीन इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इफ इन बोथ द डायरेक्शन यू आर गेटिंग द ट्रू आंसर then you you can say this this machine is representing this regular expression but if in any one of the condition you are getting false it means तो कभी भी वन डायरेक्शन में सोच कर करके ब्लाइंडली आंसर नहीं करना है बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं ऐसे बहुत सारे गेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं ठीक है ना तो यहां से जनरेट होने वाला जो स्ट्रिंग है ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है कोई डाउट नहीं है और करना भी चाहिए क्यों नहीं करेगा देखो ना भाई मुझे पता है कि ए प्लस ए बी का होल स्टार ठीक है ना ये सबसेट है किसका ए प्लस बी का होल स्टार तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारा मशीन एम है तो इसके सारे स्ट्रिंग ये मशीन क्या करेगा इसके सारे स्ट्रिंग ये मशीन एक्सेप्ट करेगा ऑब्वियस सी बात है अगर ये इसका सब स्ट्रिंग है और ये मशीन इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये मशीन ऑब्वियसली इसके सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा बात समझ में आ रहा है क्लियर है भाई बोलो भाई तो यहां से कभी भी आप सिंगल बी डबल बी ये सब जनरेट नहीं कर सकते ठीक है ना या ए बीबी ये सब जनरेट हम लोग नहीं कर सकते यहां से अगर कोई आपको बोले कि सर आप यहां से जनरेट कर दो ए बीबी तो क्या ये जनरेट होगा नहीं होगा ठीक है ना तो बहुत ऐसे स्ट्रिंग है जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा जनरेट नहीं कर पाएगा ठीक है ना तो यहां से किस तरह के सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हो गए मीन्स इसका इसका एक एफ्रैक्ट अगर हम लोग डीएफए बनाए समझ समझना इसका मेरे दोस्त अगर हम लोग एक एफ्रैक्ट डीएफए बनाए एपस्ट्रैक्ट का मतलब क्या है क्शन का मतलब आपको पता है ना एब्रेक्शन का मतलब है है आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू नॉट एक्चुअल ठीक ना का मतलब क्या होता है हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं इंटरनल फंक्शनलिटी को हम लोग हाइड कर रहे हैं तो वही एब्रेक्ट में डीएफए बना रहा हूं कैसे तो सपोज हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है तो हम लोग हम लोगों को पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्टार इसके लिए अगर हमें डीएफए बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई तो इनिशियल स्टेट विल बी फाइनल स्टेट एंड इन लोग वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं a, और इसके जगह कर सकते हैं है भाई अब इस एक्स वाई को आप हटा दो इस एक्स वाई को हटा दो तो ये रियल में कोई डीएफए नहीं है क्योंकि किसी भी डीएफए में

ए बी विल एपियर टूगेदर ठीक है ना या ए बी ए बी एक्सेप्ट कर सकता है ना accept कर सकता है. अब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना इस एबी को अगर ब्रेक करना है कॉन्टिनेटेड फॉर्म वाले एबी को अगर ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे मैं ब्रेक करने का बस तरीका आपको बता रहा हूं See, यह हमारा फाइनल स्टेट है इसमें तो कोई डाउट नहीं है अगर सिंगल ए सेल्फ लूप में है तो इसमें कोई डाउट नहीं है इस ट्रांजिशन में कोई डाउट नहीं है डाउट किसमें है ए बी वाले पे तो इसको क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए लेकर के मैं यहां गया और फिर से बी लेकर करके यहां पर आ गया तो मेरे दोस्त अगर आप इस पाथ में मूव कर 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 करके वापस से आते हैं ठीक है ना वापस से आते हैं क्योंकि मैंने आपको यह भी बोला था ठीक है ना ये भी बोला था कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सेम है आई होप यू रिमेंबर अगर मैंने आपको ये बोला है दिस इज द ए कॉमा बी ठीक है ना तो दिस दिस कैन बी इन फॉर्म ये बस रिप्रेजेंटेशन स्कीम है ठीक है ना आप इसको सेल्फ रूप के ट्रांजिशन को ऐसे लिख सकते हो ना क्या फर्क पड़ता है ये दो अलग अलग ट्रांजिशन दिखाने से बेहतर है कि हम लोग इसको सिंपल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बट ऐसे तो लिखा जा सकता है ना तो मेरे दोस्त अगर आप इस पाथ से ट्रैवल करते हो ठीक है ना एक्चुअल में क्या था ए बी था तो इस पाथ से हमारा क्या आ रहा था ए बी अब इसी को मैंने तोड़ दिया और एक स्टेट लगा दिया ऐसा कर सकते हैं क्या क्योंकि इस पाथ में जब भी ट्रेवल करेंगे तो एबी कॉन्टिनेटेड फॉर्म में ही जनरेट होगा आर यू एबल टू विजुलाइज़ और इन रियालिटी ये ब्लू कलर से जो था वो हमारा इनपुट था अब इस इनपुट को मैंने सिर्फ ब्रेक कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि इस पाठ से जब ट्रेवल करके आएंगे तो हमेशा ए बी साथ में आएगा अलग अलग नहीं आएगा हमेशा साथ में आएगा कॉन्केड फॉर्म में इसको सभी लोग विजुलाइज़ कर पा रहे हैं फील कर पा रहे हैं एवरी वन ठीक है ना फील कर पा रहे हैं मीन्स मींस फाइनली वॉट वी कैन कंक्लूड कि इस तरह से हम लोग मशीन तो बना सकते हैं एक बात समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग मशीन बना सकते हैं क्लियर है भाई ए एंड दिस वन इज बी तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ए प्लस ए बी होल स्टार के लिए हम लोग इस तरह से मशीन बना सकते हैं आई होप यू रिमेंबर दैट साइकिल जो आज सुबह सुबह मैंने बताया था सुबह सुबह साइकिल मैंने क्या बताया था कि अगर एनएफ ए गिवेन है तो एन एफ ए से हम लोग क्या बना सकते हैं डीएफए बना सकते हैं डीएफए को फर्दर क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं और अगर डी एफ एन है इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एन एफ ए तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन गिवेन है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू डिजाइन अ मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल डिराइव द एन एफ ए यहां पर भी NFA ही माइग्रेशन हो रहा है। कैसा है? है ना? है। देख करके लग रहा है। है? है है। है है ये ये कैसा ना? ना? देख करके लग भाई। अब इस NFA को DFA में convert convert A, में करिए। कैसे होगा? ठीक अगर हम A input दे रहे हैं पर migration हो रहा है? ट्रांजिशन इज टू एज वेल एज बी ठीक है ना अब ए में बी इनपुट दे रहे हैं कोई ट्रांजिशन नहीं है तो हम लोग कहां जाएंगे भाई डेड स्टेट में क्या होगा ए इ्फ लुप अब ए में अगर आप बी इनपुट दे रहे हो तो कोई ट्रांजिशन नहीं है बी में अगर आप बी दे रहे हो तो ए पे ट्रांजिशन है मतलब बी इनपुट पे कहा जाएंगे यहां जाएंगे नाउ सिंस ए इज द फाइनल स्टेट इन एक्चुअल एन एफ ए

थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है सभी लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो अगर हमारे पेपर में ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम लोग डीएफए बना सकते हैं सोच सोच करके बना सकते हैं ठीक है ना चलिए चलिए अब हमारा टास्क क्या है हमारा टास्क है हम या? हमें रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है मैं आपको लैंग्वेज दे रहा हूं और उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फाइंड फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फॉलोविंग फॉलोविंग रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेजेस

क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में भी दिया था अभी फिर से मैं दे रहा हूं और दोनों क्वेश्चन को देखेंगे एन प्लस एम इज इवन ठीक है ना थ में दे रहा हूं एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी ए बी कंटेनिंग कंटेनिंग एटलीस्ट टू एस कंटेनिंग एटलीस्ट टू ए ठीक है आई थिंक विजिबल है ठीक है ना फोर्थ में है फोर्थ में है ठीक है ना सेट ऑफ ऑल स्टिंग्स ओवर ए बी दैट स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिम्बॉल ठीक है ना स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिम्बॉल ठीक है फिफ में गिवेन है एट इज इक्वल टू एट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स Or strings over 0, 1 having having alternate 0 and 1. 6 okay? Sixth. Me. N is equal to W belongs to A comma B. स्टार या ए कॉमा बी के जगह आप लिख लो जीरो जगह बी वेरू मॉड थ्री इज इक्वल टू जीरो में आप लिख लो एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू बस रहने दीजिए इतना ही कर दो भाई काफी है इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना ये पांच क्वेश्चन है और आपके पास टोटल टाइम रहेगा ठीक है ना वंस यू आर गेटिंग द आंसर यू कैन शेयर विथ मी इन माई टेलीग्राम आई डी एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो सभी मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं ठीक है ना दिस इज माई टेलीग्राम आई डी दिस इज माई टेलीग्राम आई डी टेलीग्राम आई डी ठीक है ए आई ई एफ ए डी आई ठीक है ना ये मेरा टेलीग्राम आई डी है वंस यू आर गेटिंग द आंसर यू कैन शेयर विथ मी इन टेलीग्राम यू हैव यू हैव टोटल मिनट टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन क्लियर है भाई बेस्ट लेवल पे अपने जाकर के ट्राई करो सभी लोग बेस्ट लेवल पे अपने जाकर के ट्राई करिए एंड वंस यू आर गेटिंग एनी आंसर दिस इज माई टेलीग्राम आई डी इफ यू आर न्यू यूजर वट यू कैन डू अगर आप नए यूजर हैं फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं कि सर आई गेट सी एस सी तो मैं आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में एड करवा दूंगा ठीक है ना तो वट यू कैन डू यू कैन जस्ट वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग फॉर दीज क्वेश्चन यू कैन जस्ट शेयर विथ मी इन माई टेलीग्राम आई डी एंड फॉर दैट यू हैव अ टोटल सेवन मिनट्स ठीक है भाई बेस्ट ट्राई करिए बेस्ट ट्राई करिए मैं बॉक्स में कुछ नहीं देखूंगा मैं बॉक्स में कुछ भी नहीं देखूंगा आप मुझे टेलीग्राम में सेंड करेंगे बिकॉज समटाइम फॉर अ टीचर इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू जस्ट चेक द अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ यूनिक आंसर स्टूडेंट से बाहर निकल करके आता है ठीक है ना उनकी सोच अलग बन करके आती है बहुत टाइम हमें यह समझ में आता है कि भाई हाँ स्टूडेंट का सोचने का तरीका इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है तो इन सभी रिजल्ट्स को कलेक्ट कर करके तब हम लोग कोशिश करते हैं आपको बेस्ट देने की ठीक है ना तो चैट बॉक्स में इतना डिजाइन वे में लिखने से ज्यादा बेहतर है ना कि इमेज लो और मुझे फेंक दो दो पे मेरे पास दो. ये ज्यादा आसान है ठीक है ना चलिए भाई सभी लोग यू हैव अ अवन मिनट टू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन एंड वंस यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर मी द विद्यूशन वन बाई वन ऑल्सो ऐसा नहीं कि भाई कसम खा के बैठे हैं छे क्वेश्चन बन जाएगा तो ही सर को भेजेंगे जैसे कि सर यहाँ पर कोई ट्रॉफी लेकर के बैठा हुआ है ठीक है ना ऐसा नहीं है जो भी बन रहा है जो आपको आसान लग रहा है उसको सॉल्व करके पहले भेजिए क्योंकि इनिशियल जो विन होता है वो बहुत बड़ा होता है ठीक है चलिए बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का रिप्लाई आया है एंड आई एम वेरी हैप्पी दिस आ रही है आ रही है बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है मेरे दोस्त कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का रिप्लाई आया है टेलीग्राम पे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग एफर्ट डाल रहे हो पॉजिटिवली एफर्ट डाल रहे हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहां पर लाइव नहीं हो वेरी गुड एवरीवन विंटर क्लास विनय पंत चलिए चलिए और जिसके भी आंसर में थोड़े बहुत मिस्टेक्स थे उसको मैंने करेक्ट भी कर दिया ठीक है ना आप रिप्लाई में देख सकते हैं बाकी यहां पर देखिए चलिए पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ए का पावर एन बी का पावर एम वेयर एन इज ग्रेटर टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एम इज लेस देन इक्वल टू थ्री तो मेरे दोस्त अगर हम लोग बोल रहे हैं एम लेस देन इक्वल टू थ्री इसका मतलब क्या है एम के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जीरो वन टू एंड थ्री और नो जीरो वन टू एंड थ्री नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता है क्योंकि नेगेटिव के लिए डिफाइन है ही नहीं जैसे कि बी टू डू पावर माइनस वन नेगेटिव के लिए ठीक है ना कोई भी लैंग्वेज डिफाइन नहीं है ठीक है ना तो हम कहां से लेंगे जीरो से लेंगे तो चलिए यहां से हमें क्या बात समझ में आ रहा है कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एन बी का पावर जीरो प्लस प्लस ए का पावर एन बी का पावर वन प्लस ए का पावर एन बी का पावर टू प्लस ए का पावर एन बी का पावर थ्री वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भाई एन का वैल्यू एम का वैल्यू या तो जीरो वैल्यू वन हो सकता है या एम का वैल्यू टू हो सकता है या एम का वैल्यू थ्री हो सकता है इन चारों में से कोई भी वैल्यू एम का पॉसिबल है ठीक है ना अगर जीरो लेंगे तो ये आएगा और वन लेंगे तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग आएगा टू लेंगे, तो लेंगे तो ये आएगा थ्री लेंगे तो ये आएगा अब इसको आप कैसे लिख सकते हो दिस कैन बी रिटेन as मुझे पता है कि ए का पावर एन एन equal टू जीरो दिस कैन बी रिटेन as ए स्टार इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ना तो यहां पर मेरे दोस्त हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए का पावर स्टार डॉट एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन से कॉन्कैटिनेट करने का मतलब है कि वही आ जाएगा प्लस प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं ए स्टार बी प्लस क्या लिख सकते हैं ए स्टार डबल बी प्लस ए स्टार ट्रिपल बी आप चाहो तो ए स्टार को कॉमन भी ले सकते हैं ए स्टार को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो एप प्लस सिंगल बी प्लस डबल बी प्लस ट्रिपल बी ऐसा लिख सकते हैं सो दिस इज द फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज एल क्लियर है so भाई ओके okay, प्रतीक टेंशन लेने वाली बात नहीं है हो जाता है कभी कभी हो जाता है ठीक है ना अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सेकंड uh, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है ठीक है ना सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है कि ए का पावर एन बी का पावर एम वेयर एन प्लस एम Is even, even. मेरे दोस्त, दो नंबर का सम इवेंट होगा।, होगा कब जब ये दोनों दोनों नंबर ऑड होंगे इन दोनों सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएंगे भाई इवेंट होंगे इवेंट रिजल्ट आएगा लेकिन एक इवेंट होता है दूसरा ऑड होता है तो कभी भी इवेंट रिजल्ट नहीं आ सकता ठीक है ना तो ये बेसिक सब फंडामेंटल है जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है और हमें ये भी पता है कि इवेंट नंबर को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए ए का होल स्टार और, और को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं ए ए ए का होल स्टार जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो देखिए अगर ए का, का काउंटिंग और बी का, का काउंटिंग इवेंट होता है इवेंट कैसे जनरेट करेंगे तो ए ए का होल स्टार फॉलोड बाई बीबी का फोर स्टार ठीक है ना तो भाई इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी इवेन नंबर ऑफ ए जनरेट होगा यहां से भी इवेन नंबर ऑफ ए जनरेट बी जनरेट होगा और इन दोनों का कॉन्काटिनेशन ऑलवेज क्या होगा इवेन होगा या मैंने आपको क्या बोला है कि दोनों ऑड होना चाहिए ऑड के लिए भी आपको पता है ए ए ए का होल स्टार एंड बी बी का होल स्टार एंड दिस इज नथिंग बट द फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता है बस आपको क्या करना है को रिलेट करना है आपको क्या करना है और इसमें एक और शर्त है कि बी जो है वो हमेशा ए के बाद ही आना चाहिए तो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी आप ध्यान से देखो बी हमेशा ए के बाद आ रहा है यहां पर भी बी हमेशा ए के बाद समझ में आया भैया सभी लोग ये बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं क्लियर है भाई चलिए 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 अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं तीसरे में क्या दिया हुआ है अब इसको ध्यान से पढ़ना क्या दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी कंटेनिंग एटलीस्ट टू ए ना एटलीस्ट टू ए इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रिंग आप जनरेट कर रहे हो इस स्ट्रिंग में एटलीस्ट दो ए होना चाहिए यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में होना चाहिए दोनों साथ में भी हो सकता है अलग हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है तो एटलीस्ट टू ए इस स्ट्रिंग में मैंने लगा ही दिया क्योंकि कंडीशन में डायरेक्टली गिवेर है शुड बी एटलीस्ट एटलीस्ट ए ए का मतलब क्या होता है कम से कम दो ए तो होगा ही दो से ज्यादा ए भी हो सकता है इसका मतलब है मेरे दोस्त कि इसके पहले ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है इन दोनों के बीच में ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और इसके बाद में भी ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन हाउ विल इट लुक लाइक दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्टार ए अगेन ए प्लस बी होल स्टार ए अगेन ए प्लस बी ये बात क्लियर है सभी को ठीक है ना अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं अगर क्वेश्चन में गिवेन होता एग्जैक्टली exactly टू तो इस सिचुएशन में, में मेरे दोस्त एग्जैक्टली दो ए ही होगा जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है कि इसके कारण आप एनी काउंटिंग ऑफ ए को जनरेट कर सकते हैं इसके कारण आप एनी काउंटिंग ऑफ ए को जनरेट कर सकते हैं यहां पर भी कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग में ये दो ए हमेशा प्रेजेंट रहे अगर मैंने स्टेटमेंट दिया एग्जैक्टली टू ए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दो ही ए होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कि इस ए के पहले बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है सो दिस इज द फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन ये कैसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने ए जनरेट हो रहे हैं मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ दो ए प्रेजेंट है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है इसके पहले कोई भी काउंटिंग ऑफ़ बी हो सकता है इन दोनों के बीच में बी का कोई भी काउंटिंग हो सकता है यहां पर भी कोई भी काउंटिंग हो सकता है समझ में आया भाई चलिए चलिए अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि सोचने के नजरिया अलग अलग है आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेगा यहां पर क्या दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ना स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल ठीक है ना तो फोर्थ में सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जो लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन हमें क्या पता करना है दैट स्टार्ट एंड एंड विद सिंबल मतलब की अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से ही एंड होगा और इसके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है ठीक है ना और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी से ही क्या होगा मेरे दोस्त एंड होगा अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम लोग सिंगल ए लिखते हैं तो देखने का नजरिया क्या है कि कोई आदमी इधर से देख रहा है कि किससे स्टार्ट हो रहा है और यहां से देख रहा है तो ये भी इसी से एंड हो रहा है। मतलब एक छोटा सा कोई वस्तु रखा हुआ है स्टार्ट और एंड मतलब घूम करके गया उस लाइन से देख रहा हूं फिर से मुझे ए ही दिख रहा है तो मैं क्या एजूम करूंगा कि ये ए से ही स्टार्ट हो रहा है और दूसरे लाइन से देख रहा हूं तो ए से ही एंड हो रहा है ये बात समझ में आ रहा है ट्राइंग टू से तो इफ इज राइटिंग सिंगल ए इट अगेन द मीनिंग इज सेम ये ए से ही स्टार्ट हो रहा है और ए से ही क्या हो रहा है एंड हो रहा है ठीक है ना एंड प्लस बी एंड प्लस तो इफ यू वॉन्ट यू कैन इंक्लूड दिस थिंग्स ऑल्सो ठीक है ना इफ यू वॉन्ट यू कैन इंक्लूड दिस थिंग्स ऑल्सो क्योंकि इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है ए से ही स्टार्ट हो रहा है और ए से ही एंड हो रहा है तो मैंने क्या बोला कि देखने का नजरिया ठीक है ना कोई अगर इसको इस नजरिए से देख रहा है तो ये भी सारे स्ट्रिंग इंक्लूड हो जाएंगे अदरवाइज ये भी आंसर हमारा मोर एंड लेस करेक्ट है तो यहां पर कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना है कि ये हमारा अगर किसी ने सिर्फ इतना लिखा है तो ये गलत है नहीं ये गलत नहीं ये भी सही है ठीक है ना बस देखने का नजरिया बदल जाता है अब जो क्वेश्चन बना रहा है वो क्वेश्चन को किस नजरिए से देख रहा है अगर सिंगल ए को आप अगर देखो तो इस लाइन से भी आपको ए दिखेगा उधर से अगर कोई देख रहा है देख रहा है तो उसको भी ए दिखेगा जैसे कि यहां से अगर हमने स्ट्रिंग लिया डबल ए तो कोई यहां से देख रहा है उसको भी ए दिख रहा है यहां से भी ए दिख रहा है तो वो क्या सोचेगा स्टार्ट और एंड सेम से बॉल से हो रहा है बीच का जो बॉक्स है वो ब्लैक बॉक्स है वो गायब हो चुका है बात समझ में आ रहा है भाई सेकेंड क्वेश्चन में कॉमन ले सकते हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन में नहीं कॉमन कैसे ले हुए? कौन है भाई इसमें आप कॉमन क्या कैसे लोगे कैसे कॉमन लोगे कुछ कॉमन लेने लाइक है क्या नहीं हाँ अगर आप कॉमन कुछ लेना चाहते हो तो ये पॉसिबल है कि देखिए मुझे एक बात पता है अगर दोनों सेम सिंबल है अगर आप लिख रहे हो ए ए, ए, ए स्टार ठीक है ना ए ए स्टार तो दिस इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई क्योंकि दोनों सेम सिंबल है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं तो कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हो अगर यहां से मैंने ए ए स्टार को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा यहां बचेगा बी स्टार ठीक है ना प्लस क्या आएगा ए बी बी स्टार या बी स्टार को राइट right साइड से अगर आप कॉमन ले रहे हो ये कैसा दिखेगा ए ए स्टार ठीक है ना एंड एंड एफ प्लस ए बी ए बी एंड बी, -बी होल स्टार ऐसे भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर चाहो तो कॉमन ले कर करके यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो यही बोलना चाह रहे थे क्या मिस्टर जो भी है एक्स वाई जेड मिस्टर विशाल मिस्टर विशाल यही पूछ रहे थे क्या तो ऐसे भी आप कॉमन ले कर करके कर सकते हैं लेफ्ट साइड से एक कॉन्कैटिनेट हो रहा था तो हमने इसको लेफ्ट साइड में कॉमन ले लिया है राइट right साइड से बी कॉन्कैटिनेट हो रहा था तो बी डबल बी को राइट right साइड में मैंने ले लिया है और इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हैं इफ यू ठीक है चलिए कहां थे हम लोग ओके okay. ठीक है यहां पर थे ठीक है यहां पर थे चलिए अब आगे का क्वेश्चन क्या है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो वन हैविंग अल्टरनेट जीरो एंड वन सी व्हेनेवर आई एम यूजिंग अ टर्म अल्टरनेट जीरो एंड वन ठीक है ना फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है अल्टरनेट जीरो एंड वन तो अगर मैं अल्टरनेट जीरो एंड वन बोल रहा हूं तो या तो जीरो हो सकता है ठीक है ना देखिए ऑल्टरनेट जीरो का मतलब है कि जीरो जीरो पर समझने का फेर है पूरा पूरा का पूरा जो फेर है, वो समझने का है. ठीक है ना वेवर यू आर नहीं होना चाहिए वट एवर द स्ट्रिंग यू आर जेनरेटिंग इन दैट स्ट्रिंग नीदर जीरो जीरो और वन वन शुड भी अपियर यही मतलब है ना यही मतलब है आप लोगों ने कभी बड्डे पैराडॉक्स पढ़ा है क्या प्रोबेबिलिटी में एक टर्म है बड्डे पैराडॉक्स उसका बहुत एप्लीकेशन है ठीक है ना क्रिप्ट एनालिसिस में उसको हम लोग बहुत ह्यूज वे में अप्लाई करते हैं ठीक है ना एक प्रोबेबिलिटी का टर्म है बड्डे पैराडॉक्स तो वो बस ये बताना चाहता है कि समझने का नजरिया आपका क्या है वेन एवर यू आर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट ठीक है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग आप किस तरह से कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं अल्टरनेट जीरो एंड वन व्हाट एग्जैक्टली इट मींस दैट नीदर कंजिक्यूटिव जीरो और वन शुड अपियर इनसाइड द स्ट्रिंग मतलब कि जीरो वन हो सकता है वन जीरो हो सकता है वन जीरो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है अगर हम लोग जीरो लिख दिए ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहां पर भी अगर जीरो हम लोग ले रहे हैं तो यहां पर यह वन लेयर है तो यहां पर भी ऑल्टरनेट जीरो एंड वन ही ही है ठीक है ठीक ना Means, ना जीरो है है ना ही वन तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखना है कि इस तरह का सेटअप स्ट्रिंग क्या हो जाए जनरेट हो जाए दूसरी बात वेन एवर यू आर जनरेटिंग द स्ट्रिंग मेक श्योर जो भी आप स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं उसका लेंथ इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है भाई ऑल्टरनेट जीरो लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ जो है मेरे दोस्त वो इवन या ऑड इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये का एवेन है एवेन है आड़ है आड़ है ठीक है ना अगेन ये दोनों क्या है ऑड स्ट्रिंग है। तो का लेंथ इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है ठीक है अब इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है कैसे लिखेंगे तो जीरो वन होल स्टार एंड प्लस मैंने लिखा वन जीरो होल स्टार तो इसके कारण जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होगा इसके कारण जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होगा इन सभी सेट ऑफ स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा इवन होगा ऑल्टरनेट जीरो वन तो है ही है प्लस जितने भी सेट ऑफ स्ट्रिंग है सभी का लेंथ इवन है प्लस प्लस अब इस तरह के स्ट्रिंग के बारे में सोचिए अगर मैंने वन से स्टार्ट कर दिया है तो दिस वन विल बिकम जीरो होल स्टार्ट और अगर आपने जीरो से स्टार्ट कर दिया है तो दिस वन विल बिकम वन जीरो तो से जितने भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं मेरे दोस्त यहां से जितने भी स्ट्रिंग जनरेट होंगे इन सभी का लेंथ क्या होगा में आ अब ये हमारा बन गया फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारा बन गया फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है बोलो भाई मैंने क्या बोला ये समझने का फेर है ये पूरा का पूरा समझने का फेर है अगर मैं बोल रहा हूं ऑल्टरनेट वे में आना चाहिए द जीरो वन शुड अपियर इन अल्टरनेट वे इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए बहुत टाइम हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत टाइम प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अगर किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर एक्स है होने के चांसेस अगर एक्स है तो नहीं होने के चांसेस क्या होते हैं वन माइनस एक्स और बर्थडे पैराडॉक्स में यही बताया गया है कि नहीं होने के चांसेस को कंसिडर कर करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट ठीक है ना तो वही सेम लॉजिक हम लोग यहां पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं अगर कोई भी सी अगर इन जनरल कोई भी टर्म यूज कर रहा है ऑल्टरनेट वे में जीरो वन अपीयर होना चाहिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव जीरो एंड वन नहीं आना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव जीरो एंड वन शुड नॉट अपीयर इनसाइड द चलो भाई आप लोग का चैटिंग देख लें थोड़ा सा क्या चल रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं 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 सिंपल सा मीनिंग यहां पर समझना है आपको सिंपल सा अगर मैं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं ऑल्टरनेट जीरो जीरो एंड वन इन ऑल्टरनेट वे ठीक है ना या इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच इन विच देर इज नो कॉन्जिक्यूटिव जीरो एंड नो कॉन्जिक्यूटिव वन ठीक है ना वन या जीरो नहीं होना चाहिए तो उस सिचुएशन में इट विल लुक लाइक दिस आप ऐसा कभी भी नहीं सोचते सोच सकते हैं कि जीरो वन दोनों ही आना चाहिए तो ही बेस्ट रिजल्ट होगा ठीक है ना कि मुझे जीरो वन दोनों ही लाना है उस सिचुएशन में तो ठीक है ना स्ट्रिंग का लेंथ जीरो वन टू ये तीनों नहीं होगा ठीक है ना तो ये चीजें गेट या तो स्पेसिफाइड कर देगा इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है देखिए कोई भी टर्म्स गेट कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो वो क्लियर वे में पूछता है अगर वो इस तरह से बोल रहा है कि ऑल्टरनेट जीरो और एटलीस्ट एक जीरो और एक वन अपीयर होना चाहिए तो उस सिचुएशन में हम लोग थोड़ा सा अलग से मॉडल करेंगे मेरा टारगेट होगा कि एपसाइलन जीरो वन ये सब जनरेट ना हो लेकिन ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ऑल्टरनेट जीरो वन में जीरो वन जीरो वन एटलीस्ट एक बार अपियर होना चाहिए ओके okay. देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला है कि सोचने का नजरिया है यहां पर सोचने का नजरिया है अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल सपोज ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को प्लेस करने वाले हैं। इस बॉक्स के अंदर अगर हमने सिंपली ए रख दिया है एक बंदा यहां से देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि ये स्टार्ट हो रहा है ए से दूसरा बंदा यहां से देख रहा है वो क्या देख रहा है ये एंड हो रहा है ए से भाई कोई भी स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड होगा तो कोई बंदा यहां से देख रहा है और ये ये समझ रहा है कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर देखने पर भी उसको क्या दिख रहा है से एंड हो रहा है तो इफ यू आर टेकिंग सिंगल ए इट इज अज्यूमड टू बी इट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल क्योंकि यहां से मैं देखूं या यहां से जा करके देखो दोनों जगह मुझे सेम दिख रहा है तो मैंने आपको क्या बोला है सोचने का नजरिया कि कोई एक ही पॉइंट को किस तरह से देख रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है समझ में आया मोनिका <laughs> कभी सोच करके देखना देखिए मेरा जो मानना है लॉजिकली ये भी आंसर करेक्ट है ठीक है ना क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसे नहीं सोच रहा है तो लॉजिकली ये भी आंसर हमारा करेक्ट है जैसे कि यहां पर यहां पर अगर आप जीरो वन या एप्सिलॉन को नहीं लेते हैं जीरो वन एफसाइलन को नहीं लेते हैं ये सोचते हुए कि ऑल्टरनेट जीरो वन में ठीक है ना लेकिन मैथमेटिकली कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हम लोग हर चीज को मैथमेटिकली भी को रिलेट करने की कोशिश करते हैं मतलब मैथमेटिकल लॉजिक को रिलेट करने की कोशिश करते हैं इफ एनी वन अल्टरनेट जीरो एंड वन इट मीन कॉन्जिक्यूटिव जीरो एंड वन नहीं होना चाहिए उस सेंस में ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जीरो भी पॉसिबल है वन भी पॉसिबल है एप्सिलॉन भी पॉसिबल है यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल स्टार्ट एंड एंड विदम सिंबॉल तो आप सिंगल ए को अगर आप देखो तो ये ए से ही स्टार्ट हो रहा है और इधर से अगर देखें तो ए से ही एंड हो रहा है तो मैथमेटिकल लॉजिक आपने जो पढ़ा होगा उस सेंस में अगर आप सोचो तो ये भी हमारे लैंग्वेज का पार्ट होगा ये भी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में बिलोंग करेगा बात समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं है नजरिए का फेर है पूरा उसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है ध्यान में रखिएगा मैथमेटिकल लॉजिकल वे में आपको थोड़ा सा सोचना होता है दैट्स ऑल ठीक है ना चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है ठीक है ना यहां पर क्या बोला जा रहा है कि W mod 3 इज इक्वल टू जीरो मतलब कि अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थ्री से डिविजिबल है तो वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो देखिए थ्री लेंथ के कितने पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकते हैं अगर लेंथ थ्री है तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने पॉसिबल है भाई द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स विल पावर थ्री ऑलरेडी वी नो थ्री लेंथ के दो इनपुट सिंबल से जीरो वन से कितने स्ट्रिंग बन सकते हैं बाइनरी एट बन सकते हैं तो चलिए चलिए क्या हो सकता है तो जीरो प्लस वन कॉन्टिनेटेड विथ अगेन जीरो प्लस वन

कैलकुलेट करोगे ना कॉन्कैटिनेटेड फॉर्म में ये सभी के बीच बीच में क्या हो रहा है हो रहा है ठीक है ठीक ना तो अब मेरे दोस्त स्ट्रिंग का का लेंथ लेंथ कितना कितना है थ्री है 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 भाई इन सभी है? है, ठीक ना तो मुझे पता दोस्त कोई अगर आपसे पूछे कि भैया एफ डी बनाइए क्या बनाइए बनाइए कैसे बना दोगे बहुत सिंपल है भाई इनिशियल स्टेट स्टेट विल बी द फाइनल और सेल्फ सेल्फ लूप लूप में क्या जाएगा तो से जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा वो हमेशा थ्री के मल्टीपल में होगा इस डीएफए से जो भी स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट कर पाओगे वो सारा का सारा स्ट्रिंग थ्री के मल्टीपल में होगा yes क्योंकि हर एक स्ट्रिंग का लेंथ क्या है थ्री है सो एनी स्ट्रिंग इन अ मल्टीपल ऑफ थ्री विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस डी एफ बात सभी को समझ में आ रहा है कोई परेशानी कठिनाई दिक्कत हो तो वी कैन डिस्कस ओवर हियर। ही नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है ना तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ठीक है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं ठीक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सी सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ये बात समझ में आ गया तीन प्रॉपर्टी है अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया गेट का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर दोगे सी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है ना यहां पर तीन या चार मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं अगर ये चार प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया इन रियलिटी तीन ही प्रॉपर्टी है ठीक है ना बाकी सब को रिलेटेड है सबसे पहला प्रॉपर्टी है डेट इज पी प्लस क्यू स्टार दिस इज इक् वैलेंट टू पी स्टार प्लस क्यू स्टार का स्टार एंड दिस इज इक्वैल टू पी स्टार क्यू स्टार का स्टार ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है और हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है बिकॉज अंटिल एंडस यू विल प्रूव द थिंग्स कैन नॉट कैप्चर रियल नॉलेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके प्रूफ को समझना बहुत जरूरी है गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन सारे प्रॉपर्टी के प्रूफ को समझना जरूरी है ठीक है ना तो लॉजिकली इन सभी के प्रूफ को समझेंगे ठीक है ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है दूसरा प्रॉपर्टी है मेनली यही है बाकी सब तो इसके सब्सिट्यूट है ठीक है ना अगर मैं लिख रहा हूं पी क्यू पी पोलिस्टार दिस इज इक्ट वैल टू पी क्यू होल स्टार एंड में थर्ड में है फोर्थ में है ठीक है ना फाइव स्टार इज इक्वल टू ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वन ही है एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन बाकी सब इजी है ठीक है ना मेनली जो हमें प्रूफ करना है वो पहले वाले प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है है ठीक तो एक ब्रेक लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को समझते हैं क्योंकि तो एक बार अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो आप गेट के किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट ले सकते हैं ठीक है ना तो इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने में अपने को पंद्रह से बीस मिनट लगेगा ठीक है ना इसके प्रूफ को समझने में पंद्रह से बीस मिनट का टाइम लगेगा उसके बाद हम लोग कम से कम फोर्टी मिनट का टाइम स्पेंड करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर के को लगाने के लिए एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द अगर डीएफए गिवन है तो रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग एंड डायरेक्ट मैथड वो लास्ट टॉपिक होगा रेगुलर एक्सप्रेशन का तो इसके बाद अपना लगभग दो घंटे का क्लास चलने वाला है तो मेंटली उसी हिसाब से प्रिपेयर रहिए उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए पंद्रह मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलेंगे ठीक है भाई और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिफ्टीन मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है? जरूरी है। अभी दो घंटे लगातार, लगातार क्लास चलने वाली है तो ये ब्रेक की भी कहीं ना कहीं नीड है जरूरी है ओके तो टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स एंड अभी टाइम कितना हो रहा है तो अभी टाइम हो रहा है सात पांच सात बज सॉरी पांच बज के पांच मिनट अभी हो रहा है पांच बज करके बीस मिनट पे सार्फ हम लोग वापस यहां पर मिलेंगे ठीक है फाइव ट्वेंटी वी विल मीट सार्फ ओवर हियर ओके चलिए चलिए सभी लोग रेडी हैं एक बार कंफर्म कर दें थम सिंबल से एवरी वन द थम्प सिंबल फटाफट 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग लाइव आ जाए तभी हम लोग इसको डिस्कस करें क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स है ना अगर ये आप समझ गए तो आपके 90% परसेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड उसके 90% परसेंट आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग फटाफट लाइव ज्वाइन कर लें तो ही मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि एक बार छूटा तो दुर्घटना घटेगा ठीक है ना बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीज आप लोगों के साथ हो अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते एकदम मन उग गया है बहुत टेंशन आने लगता है कभी ऐसा होता है क्या इसीलिए मैं बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ाता हूँ ठीक है ना मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है आप लोगों के साथ मेरे लाइव ऐप के स्टूडेंट भी ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं उनको तो मैं बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ाता हूँ ठीक है ना अगर लगता है कि हाँ ढाई तीन घंटे से ज़्यादा बच्चे कॉपअप नहीं कर पा रहे हैं लिव इट इवनिंग को प्लान कर ले इसीलिए मैंने मॉर्निंग वाला क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ दिया मुझे लगा कि अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है आप लोगों को क्यों जबरदस्ती खींचूँ तो प्रतीक हॉन्सटाक अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी फॉर दैट बट एज आई रीड प्रतीक हॉन्सटा चलो भाई सभी लोग लाइव आ चुके हैं ठीक है ना देखते हैं देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी को देखते हैं लेकिन पहले प्रॉपर्टी को देखने से पहले आप इस बात को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं अगर मैं बोलता हूं ए प्लस बी एन प्लस ए बी मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्यों वैलेंट है किसके तो ए प्लस बी के होल स्टार के क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है एवरी वन थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू आंसर इट थोड़ा सा सोचो दिमाग पे जोर डालो और इसके आंसर करो इस क्वेश्चन के चलिए चलिए मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है कि इसके लिए आप डीएफए कैसे बनाओगे सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड तो इसके लिए डीएफए हम लोग कैसे बनाते हैं जो एक्चुअल में डीएफए नहीं है दिस इज द एब्स्ट्रेक्ट डीएफए एब्स्ट्रेक्ट डीएफए तो इनिशियल स्टेट विल बी फाइनल स्टेट क्योंकि यहां पर स्टार है ठीक है ना और ये हो जाएगा हमारा ए बी एंड ए बी ऐसे बनेगा एब्स्ट्रेक्ट हमारा डीएफए अब मेरे दोस्त कोई भी स्ट्रिंग जो ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है किसके इन्वॉल्वमेंट के कारण इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण एनी स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड दिस मशीन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस इनपुट दैट स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए एंड बी अलॉन यस ऑन भाई कोई भी स्ट्रिंग जो इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण मशीन एक्सेप्ट कर रहा है वो सारा का सारा स्ट्रिंग इस ए और बी से भी जनरेट हो सकता है यस yes नो no? बोलो भाई ठीक है ना अब अब आप इसको क्या करो अगर आप चाहो तो इसको ब्रेक कर दो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ठीक है ना मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहां पर क्या आएगा ए बी अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था दिस इज ए एंड दिस वन इज बी ठीक है ना और ये हमारा एन एफ ए है ये हमारा एन एफ ए है इस एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट करो ठीक है ना और इस डी एफ ए पे जब आप मिनिमाइजेशन लगाओगे अगेन यू विल गेट दिस वन ये मैं लॉजिकली समझा रहा हूं अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं ठीक है ना अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं सबसे पहला कि इस DFA को मैंने एक्चुअल डीएफए में कन्वर्ट किया ठीक है ना तो ये हमारा बन गया एन दिस इज द स्टेट ए एंड दिस इज द स्टेट बी अब हम लोग सेकंड नंबर में क्या कर सकते हैं एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस डीएफए पे जब हम मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे तो अगेन वी विल गेट नॉट नॉट दिस वन सॉरी सॉरी वंस यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ डीएफए वंस यू विल वंस यू विल अप्लाई द मिनिमाइजेशन ऑन दिस डीएफए इस डीएफए पे जब आप मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर मशीन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर तो यहां से ये मिलना और इसका मतलब क्या है तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्टार ठीक है ना तो बोल सकते हैं ना कि ये दोनों मशीन आपस में इक्विवेलेंट है बोथ द मशीन आर इक्विवेलेंट इट मींस बोथ द रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट तो समझने का फेर क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग जो इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण मशीन एक्सेप्ट कर रहा है वो सारा का सारा स्ट्रिंग अकेला ए और बी जेनरेट कर सकता है इसका मतलब है कि इसकी नीड नहीं इसकी नीड नहीं है और डायरेक्टली इस मशीन से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं किसको? इस वाले मशीन को डायरेक्टली इस मशीन से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर मशीन समझ में आ रहा है सभी लोग <laughs> खुशंगानी लो भाई प्रोनाउंस कर दिए जो भी है कौन है भाई लाइफ में अलग अलग टाइप के एंटिटी मिलेंगे अब इसका पागलपन देखो कौन हो भाई मतलब हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में मैं कभी कभी आश्चर्य रहता हूं दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं थैंक यू मिस्टर खुश संगाणी व्हाट एवर यूर ने पढ़ाई पे फोकस करो चैट बॉक्स को इस तरह से डिस्टर्ब मत करो ठीक है ना रिक्वेस्ट uh, है चैट बॉक्स को आप लोग इस तरह से लाइक uh, डिस्टर्ब like, uh, मत करिए बिकॉज देर आर मोर मेनी स्टूडेंट रिप्लाई सम लाइक इंटरक्टिव थिंग्स सो प्लीज अवॉइड टाइपिंग अगेन एंड अगेन सो थैंक यू आयुष पनी का सर मजा आ गया थैंक यू थैंक यू मजा लो और पढ़ाई करो और बेस्ट विशेष यही है कि जिस लक्ष्य से आप लोग आज यहां पर प्रेजेंट हैं या मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने फॉलो किया है अच्छा रैंक लाइए लाइफ टाइम आप मेरे से कनेक्टेड रहिए खुश रहिए आनंद में रहिए और लाइफ में खूब आगे बढ़ो बींग टीचर मैं बस यही आपको दुआ दे सकता हूं इससे कुछ ज्यादा नहीं कर सकता इट्स ओके मिस्टर खुश संगाणी एक्चुअली रिपीटेडली आपका मैसेज प्रोपागेट हो रहा था इसीलिए मैंने आपको रोका मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं है भाई इंटेंशन गलत नहीं देखना है चलो भाई चलो चलो सी ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हो कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कैसे है सी कोई भी स्ट्रिंग जो इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण आप जनरेट कर रहे दैट स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाई द एंड बी एलॉन so rather than keeping these things what we can do we can write these things means yes they are equivalent और यही logic अब मैं use करने वाला हूँ यही logic आगे मैं use करने वाला हूँ चलो 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 तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं तो पहला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है कि p plus q होल स्टार दिस इज इक्व टू बोला जा रहा है पी स्टार प्लस क्यू स्टार का होल स्टार ठीक है ना का होल स्टार सपोज सपोज यहां पर जो है वो पी एंड क्यू इक्वल टू हम लोग कुछ मान लेते हैं सपोज पी इक्वल टू स्मॉल ए है और क्यू इक्वल टू स्मॉल बी है जब आप बुक रीड करोगे ना वहां पर दिया हुआ है कि पी एंड क्यू कुड बी एनी रेगुलर एक्सप्रेशन

कि ये इसको डिराइव करेगा तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है इसका मतलब ऑलरेडी हमें पता है दिस इज द यूनिवर्सल सेट कोई भी स्ट्रिंग ए बी के कॉम्बिनेशन में जो आप सोच सकते हैं वो सारा का सारा स्ट्रिंग यहां से जनरेट होगा इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट दिस इज इक्लेंट टू दिस आवर टारगेट विल बी कंप्लीटेड ठीक है चलिए चलिए अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं ए स्टार ए स्टार का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त ऑलरेडी यू नो एप्सिलॉन सिंगल ए Double A and so on and एंड so on प्लस प्लस B स्टार B स्टार का मतलब क्या होता है अगेन एपसाइलन सिंगल B डबल B एंड सो so on और इस पूरे का क्या हो गया भाई होल स्टार इस पूरे का क्या लिख सकते हैं होल स्टार ठीक है ना होल स्टार इस तरह से लिख सकते हैं देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है आप ए कॉमा बी लिखो या आप ए प्लस बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिप्रेजेंटेशन है मेरे दोस्त रिप्रेजेंटेशन है इससे कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है ना तो अगर मैंने यहां पर लिखा है एफसाइलन ए डबल ए आप इस फॉर्म में लिखिए या इसी को आप इस फॉर्म में लिखिए कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है ठीक है ना अब प्लस का मतलब हमेशा क्या होता है यहां पर यूनियन यूनियन ठीक है ना ये अंडरस्टूड है ये अंडरस्टूड है अब इन दोनों को कंबाइन करिए प्लस का मतलब क्या है भाई मेरे यूनियन ठीक है ना तो यहां पर इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्या आएगा एफसाइलन ए डबल फिर क्या आएगा का क्योंकि किसी भी सेट में दो बार एलिमेंट नहीं रह सकता है सेम एलिमेंट ट्वाइस अपीयर नहीं होगा तो डबल एफसाइलन की जगह मैंने सिंगल एफसाइलन कर दिया अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या एफसाइलन प्लस ए प्लस डबल ए प्लस अप टू डॉट 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 प्लस सिंगल बी डबल बी एंड प्लस अप टू डॉट 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 अब इस बात को रिकॉल करने की कोशिश करिए जो मैंने यहां पर समझाया है इसको आप रिकॉल करने की कोशिश करिए ठीक है ना मेरे दोस्त यहां पर देखो यहां पर देखो कोई भी स्ट्रिंग यहां पर आपको क्या मिल रहा है सिंगल ए एंड सिंगल बी आपको इस सेटअप स्ट्रिंग में मिल रहा है ठीक है ना तो कोई भी स्ट्रिंग जो इन सभी के इन्वॉल्वमेंट के कारण जनरेट हो रहा है इन सभी के इन्वॉल्वमेंट के कारण जनरेट हो रहा है इन सभी के ठीक है ना ऑल जनरेटेड बाई द एंड बी अलॉन यस नो एनी स्ट्रिंग विच बीन जनरेटेड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज स्ट्रिंगटेड बाई द ए एंड बी अलॉन इट मीन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थिंग्स

बेसिक लॉजिक समझना चलो आप इसके इन्वॉल्वमेंट से अगर कोई स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो वो तो ए और बी के मदद से भी जनरेट हो सकता है ना सिंगल ए से भी जनरेट हो सकता है डबल ए अगर जनरेट करना है तो इसको दो बार रिपीट कर दो सपोज आप ए बी बी जनरेट करना चाह रहे हैं तो ए बी भाई ये डबल बी तो इससे भी जनरेट हो सकता है ना वो तो इससे भी जनरेट हो सकता है बात समझ में आ रहा है सो फाइनली दिस इज इक्न टू दिस एंड दिस इज आवर प्रूफ ठीक है ना सिमिलरली सिमिलरली इसी के नेक्स्ट में क्या दिया हुआ था इसी के नेक्स्ट में सेकेंड वाले पार्ट में क्या था तो सेकेंड वाले पार्ट में था p प्लस क्यू होल स्टार दिस इज इक्वी वैलेंट टू पी स्टार कॉन्टेटिनेटेड विथ क्यू स्टार का स्टार तो अगर हम लोग पी और क्यू के इंस्टेंस को रिप्लेस करें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी होली स्टार ये क्यू वैरियंट होगा किसका ए स्टार बी स्टार का होली स्टार कोई टेंशन नहीं है इसको समझना ठीक है ना अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि ये इसके बराबर है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ये हमें पता है ठीक है ना तो चलिए देखिए प्रूफ करने के लिए या समझने के लिए कि यहां से किस तरह का सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है

एप्सिलॉन को एप्सिलॉन के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे एप्सिलॉन एप्सिलॉन को बी के साथ करेंगे बी क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट किसी भी सिंबल को एप्सिलॉन के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे दैट सिंबल विल बी जनरेटेड ठीक है ना ये ऑलरेडी हमें पता है तो चलिए एप्सिलॉन को डबल बी के साथ करेंगे डबल बी एंड सो ऑन इस तरह से आएगा ठीक है सिमिलरली ए को एप्सिलॉन के साथ करेंगे ए ए को बी के साथ करेंगे ए बी ए को डबल बी के साथ करेंगे ए डबल बी सिमिलरली डबल ए को एफ साइलन के साथ करेंगे डबल ए ठीक है ना डबल ए को बी के साथ करेंगे डबल ए बी एंड सो इस तरह से चलता जाएगा और ये पूरे का क्या है होल स्टार है ठीक है एंड द सेम थिंग वी कैन राइट इन दिस वे जस्ट वी हैव सीन इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या एफसाइलन प्लस बी प्लस डबल बी प्लस अप टू डॉट 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 प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए डबल बी प्लस डबल ए प्लस डबल ए बी प्लस अप टू डॉट 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 बहुत सारे स्ट्रिंग है में, हमारा सिंगल बी बी एपियर हो रहा है और सिंगल ए बी एपियर हो रहा है इसका मतलब है एनी स्ट्रिंग विच आर जेनेटेड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस कैन ऑल्सो बी जेनरेटेड बाई द ए एन बी एल ऑन यस होना कोई भी स्ट्रिंग जो इन सभी के इन्वॉल्वमेंट के कारण जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा स्ट्रिंग ए और बी अकेला सफिशियंट है उसको जनरेट करने के लिए ठीक है ना सो वट वी कैन राइट वी कैन राइट दिस इज नील ये बात समझ में आ रहा है भाई ठीक है ना ये बात समझ में आ रहा है बाकी किसी भी किसी के भी इन्वॉल्वमेंट से जो भी आप स्ट्रिंग डब्ल्यू जनरेट करोगे वो डब्ल्यू स्ट्रिंग ए और बी अकेला जनरेट कर सकता है क्योंकि इसके लिए जब आप डीएफए बनाते हो तो आप डीएफए कैसे बनाओगे ठीक है ना सपोज आपने इसको एक्स वन माना एक्स टू एक्स थ्री ऐसे करके कुछ मान लिया तो इस डीएफए में ट्रांजिशन किसके कारण होगा ए बी और उसके बाद क्या है एप्साइलन ठीक है ना उसके बाद क्या है डबल बी ठीक है ना फिर ए बी डबल बी एंड सो ऑन इस तरह से इनफाइनाइट है ठीक है ना तो यहां पर देख करके ही लग रहा है कि ये ए और बी जो ट्रांजिशन है सेल्फ लूप में ये सफिशियंट है इन सभी के कारण जो भी स्ट्रिंग आप जनरेट करा रहे हो ठीक ना इन सभी के कारण जो भी स्ट्रिंग मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, वो वो है तो इन सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है ना इन सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है समझ में आया भाई एक बार सभी लोग समझ में आ रहा है चलो बहुत खूब बहुत खूब अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है ठीक है ना दिया हुआ है पी क्यू का होल स्टार पी ये क्यू वैलेंट होगा ठीक है ना पी क्यू पी का होल स्टार ठीक है ना तो सपोज पी के जगह हम लोग मान लेते हैं ए क्यू के जगह बी तो ए बी का होल स्टार ए ये बराबर होगा ए फिर बी ए का होल स्टार चलिए इसको एक्सपेंड करिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बी ए के होल स्टार को एक्सपेंड कर रहे हैं तो दिस इज द बी ए अगेन बी ए बी एंड अगेन सो ऑन इस तरह से आएगा इस तरह से आएगा अब इस ए को कॉन्कैटिनेट करिए तो ए को सभी के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या आएगा यहां पर आएगा ए ए बी ए एंड अगेन ए बी ए बी ए एंड सो सो ठीक है ना अब इसके राइट right साइड में देखो राइट right साइड में सभी में ए कॉमन है तो राइट right साइड से ए कॉमन ले सकते हैं तो राइट right साइड से जब आप ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा ए बी अगेन साइड से हमने ए बाहर निकाल दिया अब इसका मतलब हमें पता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ए बी होल स्टार एंड दिस वन इज कॉन्कैटिनेटेड विथ ए सो दिस वन इज द सिंपल प्रूफ दिस वन इज द सिंपल ये बहुत ही आसान था इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है समझ में आ रहा है भाई यह हमारा सेकंड नंबर में था यह हमारा सेकंड नंबर में था थर्ड नंबर में क्या है थर्ड नंबर में क्या है तो थर्ड नंबर पे था कि एफसाइल प्लस आर आर स्टार ठीक है ना तो सपोज हम लोग आर के जगह स्मॉल ए मान लेते हैं तो ए ए स्टार इज इक्वल टू तो जस्ट हम लोग जानते हैं ना ए ए स्टार का मतलब क्या होता है सो दिस इज़ नथिंग बट प्लस ए स्टार प्रूफ हो गया बोलो भाई प्रूफ हो गया बहुत ही आसान था ना ये yes बोलो भाई हो जाएगा बहुत ही आसान था चलिए अब लास्ट वाला है लास्ट वाला है फोर्थ देखिए कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अगर स्टार लगा हुआ है तो इस लैंग्वेज में एटलीस्ट एप्सिलॉन तो होगा ही होगा ठीक है ना इसके बाद क्या होगा वो उस लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ठीक है ना सपोज इफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ l इज इक्वल टू a a तो अगर मैं लिख रहा हूं l स्टार इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है a स्टार सो व्हाट डज इट मीन कि यहां पर एप्सिलॉन तो होगा ही होगा बाकी किस तरह के सेटअप स्ट्रिंग जनरेट होंगे वो डिपेंड करता है इस ये लैंग्वेज कौन से सिंबल को यूज कर रहे हैं यस और नो ये लैंग्वेज किस तरह के सिंबल को या स्ट्रिंग को यूज कर रहा है तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं ए तो ए के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सारा का सारा स्ट्रिंग डबल ए एंड सो इसी फंडामेंटल थिंग्स को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं सी इफ यू आर राइटिंग पाई स्टार पाई का मतलब क्या होता है जो सेट है वो हमारा एम टी है ठीक है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट वी कैन राइट एफ साइलेंट अब इसके आगे कोई स्ट्रिंग जनरेट होगा क्या नहीं होगा क्योंकि इस सेट में नो सिंबल नो सिंब इस सेट में कोई सिंबल अवेलेबल है ही नहीं। मींस हमारे पास जो लैंग्वेज में गिवेन था वो लैंग्वेज गिवेन है फाइव तो किसी भी लैंग्वेज का स्टार लेंगे तो एफसाइलेंट तो जनरेट होगा रिमेनिंग क्या जनरेट होगा वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के सिंबल पे तो इस लैंग्वेज में तो कोई सिंबल अवेलेबल ही नहीं है तो एफसाइलेंट तो जनरेट हुआ लेकिन बाकी आगे कुछ जनरेट नहीं हो पा रहा है यू कैन कनेक्ट थिंग्स लाइक दिस लाइक दिस अब मेरे दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो मैं गेट के अब आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं See, अब मैं आपको देने वाला हूं कम से कम टेन प्रॉब्लम दस न्यूमेरिकल जो गेट के प्रीवियस में अभी तक पूछा गया ठीक है ना एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे होगा रिमेनिंग नाइन न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा फुल एफर्ट के साथ ट्राई करिए और सभी का आंसर गेन कर करके मुझे बताइए ठीक है ना सो लेट्स स्टार्ट मैं पेन ड्राइव में ले लू थोड़ा सा समय दीजिए ठीक है ना फाइल नंबर टू जो है वो यहां पर था नहीं ठीक है जस्ट वेट अ मिनट रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइल चलो भाई चलो जस्ट वेट ए मिनट चलिए चलिए देखते हैं ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ ठीक है ना बाकी सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ ठीक है ना ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप सभी को पता है इसका आंसर बताइए सभी लोग एक झलक में देख करके इसका आंसर बताइए नॉट अ प्रॉब्लम जस्ट ट्राई योर सेल्फ ये, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है और आई आई होप कि सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा एक बार में देख करके आप इसके आंसर को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे तो like है, है मैं आपको और टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं ठीक है ना अगर आप में से लोग कोई भी लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दिस इज माई टेलीग्राम आई डी दिस इज माई टेलीग्राम आई डी इफ यू स्टिल डिडेंट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप सो यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम आई डी ठीक है ना और टोटल जो आपके पास समय रहेगा इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का वो दस मिनट का रहेगा ठीक है ना दस मिनट का जो भी क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में जो आपसे सॉल्व हो रहे हैं वो आप मुझे शेयर करिए किसी भी ऑर्डर में अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं तो यू जस्ट शेयर बी विथ मी दॉल्यूशन डिस्कशन इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली इन टेलीग्राम आई विल रिस्पॉन्ड यू ठीक है ना न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो ना कि हर एक्शन के अपोजिट रियक्शन होता है तो अगर आप एक्शन करोगे तो मैं रिएक्ट करूंगा नहीं करोगे तो यार मैं आपके क्या ही मदद करूंगा बोलते हैं ना भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है ठीक है ट्राई योर सेल्फ ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है ना ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है फिर भी मैंने आपको दे दिया इसके अलावा ठीक है ना नाइन और क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ अलर्ट रहिएगा सभी लोग ग्रुप में मैं अभी आपको ठीक है ना एक मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं चलो भाई चलिए इसका आंसर तो सभी ने सही किया है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ना इसके आंसर में कोई डाउट नहीं है सभी ने सही किया है ठीक है इसका आंसर क्या होगा भाई देख करके लग रहा है तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना इसको जब आप एक्सपेंड करोगे कॉन्कैटिनेट करोगे तो ये आएगा जीरो जीरो पोलिस्टार जब एप्सैलन के साथ कॉन्टेटिनेट होगा और जब इसके साथ कॉन्टेटिनेट होगा तो प्लस क्या आएगा जीरो जीरो होल स्टार एंड दिस वन इज जीरो ये इवन लेंथ को स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है या ऑड लेंथ को इवन और ऑड का सम जीरो स्टार के बराबर हो जाएगा यस और नो सही है अब देखिए मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं गलती कर रहे हैं। ठीक है ना भाई मेरे ये अगर मशीन गिवेन है दिस इज जीरो दिस वन इज वन ठीक है ना अगेन दिस इज वन और इसके बाद जीरो या वन कुछ भी देते हैं तो ये डेड स्टेट पे जा रहा है इससे एक्सेप्ट होने वाला लैंग्वेज क्या होगा ये अगर मशीन एम है तो इस मशीन से एक्सेप्ट होने वाला लैंग्वेज क्या होगा मेरे दोस्त इज so सारा हम लोगों ने किया है भाई आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना एनी काउंटिंग ऑफ जीरो फॉलोड बाय एनी काउंटिंग ऑफ वन भाई एप्सिलॉन भी इसके कारण एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है जीरो डबल जीरो इसके कारण एक्सेप्ट होगा और इस स्टेट के कारण क्या क्या एक्सेप्ट होगा सिंगल वन डबल वन एंड ट्रिपल वन और उसके साथ साथ क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है जीरो वन जीरो ट्रिपल वन और डबल जीरो वन डबल जीरो डबल वन एंड सो वन और इस तरह से चलता रहेगा तो किस तरह के सेटअप स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं इस तरह के सारे सेटअप स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं

निष्ठा बनेगा छोटा सा प्रॉब्लम है बस आपको समझना है बस आपको समझना है ये बात समझ में आ रहा है अक्षय तरुण देवाशीष मोनिका एवरीवन चलिए इसी में अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं इसको मैंने फाइनल नहीं बनाया नॉन फाइनल रखा तो क्या चेंजेस आएगा अब यहां पर क्या जी एप्सालन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा क्या जीरो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये सब पार्ट एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगा ये सब पार्ट जो है वो एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगा मतलब कि जीरो का कोई भी कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय एटलीस्ट वन वन यस और नो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं जीरो का कोई भी कॉम्बिनेशन फॉलोड बाई एटलीस्ट एक वन उससे ज्यादा वन भी हो सकता है तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ यहां पर क्या बोल सकते हैं एनी नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ फॉलोड बाई फॉलोड बाई एटलीस्ट वन वन ठीक है ना और इसको इंडिकेट करने का तरीका क्या है तो टू टू पावर पावर पर N का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वन वन का मतलब क्या हो गया एम ग्रेटर टू वन ये नो अब इसको रेगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्म आप कैसे दोगे तो जीरो स्टार वन या राइट देवाशीष ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो स्टार वन वन स्टार क्योंकि हमें पता है मेरे दोस्त हमें पता है ए ए स्टार को हम लोग ए प्लस भी बोलते हैं इसमें कोई डाउट नहीं क्लियर है भाई क्लियर है अब लग रहा है सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया है आज मैं पूरे जोश में था सात बजे तक क्लास लूंगा सात साढ़े सात तक पूरा वाइंड अप करूंगा लेकिन जहां पर दिमाग काम करना बंद कर दे वहां पर रुक जाना ही बेहतर होता है ये मेरा मानना है ये मेरा मानना है मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने को सॉल्व करना है तो कल के लेक्चर का जो प्लान है कल का जो लेक्चर है वो सुबह आठ बजे से रहेगा ठीक है ना 8 पीएम से अपन स्टार्ट करेंगे तो कल के लेक्चर का जो प्लान रहेगा सबसे पहला सॉरी नॉट पीएम दिस इज द एएम ओके तो कल के लेक्चर का प्लान रहेगा सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है ना दूसरा दूसरा आर्डेन थ्योरम बस एक यही वाला पार्ट रह गया है आर्डेन थ्योरम ठीक है ना और तीसरा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर ग्रामर ठीक है ना तो स्टार्टिंग का जो टू आवर्स होगा ये हम लोग इस पे स्पेंड करेंगे एंड ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स इसको करेंगे. इस, इसको स्टार्ट स्टार्ट करेंगे करेंगे तो अपना टारगेट रहेगा कि ब्रेक से पहले कल के क्लास में ब्रेक से पहले हम लोग इसको कवर अप कर ले पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट को देख लें और आर्ड थ्योरम वाले पार्ट को देख लें ब्रेक से पहले लगभग हम लोग मान करके चलो कि डेढ़ घंटा टाइम स्पेंड करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्योंकि टाइम लगता है उसके बाद आर्ड थ्योरम हाफ एन आवर पंद्रह मिनट का टॉपिक है पंद्रह मिनट में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर वाला पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला है ठीक है ना आपको याद होगा कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अब हम लोग आगे अप्लाई करेंगे किसमें डिजाइनिंग ऑफ डिजाइनिंग ऑफ कंपाइन जिस कंपाइलर पे आप लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो कंपाइलर डिजाइन में ग्रामर का क्या एप्लीकेशन है इसको हम लोग समझेंगे ठीक है ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है और हर साल मेरे दोस्त हर साल अगर हम लोग लाइक डी एफ ए प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन सी वे इसका मतलब इसमें सब आ जाता है डी एफ एन एफ ए मिनिमाइजेशन प्रोडक्ट हियर रेगुलर एक्सप्रेशन इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है टू मार्क्स के ठीक है ना और अकेला रेगुलर ग्रामर को अगर आप देखो तो यहां से टू टू फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का भाई टू टू फोर मार्क्स का किसी किसी ईयर में ऐसे भी पेपर हैं जहां पर ग्रामर से डायरेक्टली चार नंबर का क्वेश्चन आ गया ठीक है ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर

वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड ब्रेक के बाद हम लोग ग्रामर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है ना तो किसी भी टॉपिक का इनिशियल वाला डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो मिस मत करिएगा कल मॉर्निंग में मिलते हैं एट ए एम क्लियर है भाई तो जो मैंने प्रॉब्लम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए हैं किए हैं उसको आप ट्राई करके आना तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कुछ और नए प्रॉब्लम मैं दूंगा उसको भी डिस्कस करेंगे और तब हम लोग आर्ड थ्योरम को फॉलो करेंगे ठीक है भाई सो बाय टेक केयर मस्त रहिए मजे करिए और मेहनत करते रहिए बाय बाय एवरीवन